नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन और हमारी आज की रेसिपी है मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के अज्जा: चावल 2 ग्लास, प्याज 2 दरमियानी साइज, दही आधा कप, मटर 1 कप, साबुत जीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 1/4 कप, नमक हसब ज़ायका। सबसे पहले एक कुकिंग पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करें। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल करें और तब तक फ्राई करें जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद तब तक फ्राई करें जब अदरक लहसुन की पेस्ट की अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब अदरक लहसुन के पेस्ट की खुशबू आने लगे तो इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून काले मिर्चों का पाउडर शामिल करके अच्छे से फ्राई करें और इसमें 1 कप मटर शामिल कर दें। मटर शामिल करने के बाद इसमें 1/2 कप थोड़ा सा पानी शामिल करके दही शामिल करें और पैन को कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाएं ताकि मटर गल जाएं। जब मटर गल जाएं तो इसमें 3 ग्लास पानी शामिल करें और हसबे ज़ायका नमक शामिल करें। जब पानी नीम गर्म हो जाए तो इसमें चावल शामिल करें और उस वक्त तक पैन कवर ना करें जब तक से पानी में बबल्स बनना शुरू ना हो जाएं। जब पानी में बबल्स बनना शुरू हो जाएं और चावल फूलने लग जाएं तो चावलों को अच्छे से मिक्स करके पैन को कवर कर दें और चूल्हे की आंच को हल्की करके चावलों को दम पे पकने के लिए छोड़ दें। 10 से 12 मिनट के बाद आपके मज़ेदार से मटर पुलाव तैयार हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी मटर पुलाव। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।